Okay, symptoms, bradykinesia, tremors, body rigidity and slurred speech. ये है early signs. या tumors? या Parkinson's? यार इस बार मैं definitely fail होने वाला हूँ. Hey, कैसा रहा? You cracked it? They cracked me. Natasha, it's your turn. They're calling you inside. मुझे तो लगता है 10-20 साल और रख जाएंगे यही इंटर्नशिप करते करते. यार कुछ समझ नहीं आया. Come in. Have a seat. Dr. Natasha Narang, General Surgery, right? Yes, sir. Mrs. Malik, मानना पड़ेगा. आप तो बहुत ही good girl हो गई. सारे के सारे parameters ठीक लग रहे हैं. Please. शुगर लेवल्स मेंटेन करते रहना और डॉक्टर टप्पे वाला से कहना कि डिस्चार्ज करने से पहले एक बार किडनी फंक्शंस टेस्ट कर लें. एंड डू वन मोर थिंग, ऐड डेलमेकाइन 40 फॉर ब्लड प्रेशर एंड 2 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन बिफोर डिनर. आशा, व्हाट आर यू डूइंग? क्या नौकरी से निकलवाओगी मेरे को? जिसके पास इतनी कमाल की छोरी हो उसको नौकरी करने की क्या जरूरत है? अच्छा, तो मैं अब इस कमाल की छोरी को देखते देखते उसकी खूबसूरती निहारते हुए अपना पेट भी भर लूं, घर भी चला लूं और क्या बात है, कुछ तो अलग है आज तुम्हारे केस में. क्या छुपा रही हो? छिपा कर रही हूँ, तब से तो बताने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन तुम सुन ही नहीं रहे हो. क्या? I have passed my viva. What? Yes, तो जरा तहजीब से बात करो because you're talking to the would be general surgeon. Congratulations. Wow. Congratulations to you too. This is fabulous. But this calls for a celebration. मतलब आज रात को wine dine and you know. वो रेनू है ना? She's moving into a new flat. So I have to help her with the packing and all. तुम और तुम्हारे चैरिटी प्रोग्राम्स. संडे का डिनर तो याद है ना कि संडे डिनर? मॉम डैड टाउन आ रहे हैं. तुम्हारे मॉम डैड के साथ डिनर? फॉर व्हाट? वो 2-3 डेट्स भी ला रहे हैं पंडित जी से लेके. डेट्स फॉर व्हाट? हमारी शादी के लिए. इडियट, आर यू सीरियस? हमारी शादी? I love you so much. Thank you so much. Ek hi din mein itni sari khushi, I just can't handle it. You know, I feel so lucky. I'm lucky. हाँ भाई बोलो. हेलो छोटी, कैसी है तू? तेरा एग्जाम कैसा गया रे आज? बहुत ही अच्छा. मुझे तो लग रहा है इस बार मैं क्लास में फर्स्ट आने वाली हूँ. ये वही ना बात. थैंक यू भाई. वैसे आपको आज कितने बजे छुट्टी मिलने वाली है? आपके साथ तो कहीं जाते हैं नहीं, फिर ड्राइवर क्यों रखते? ए, बस क्या छोटी, मैं सिर्फ ड्राइवर थोड़ी ना हूँ. तू ही तो बोली ना कि मैं उनका फ्राइडे मैन हूँ. फ्राइडे मैन नहीं भाई, मैन फ्राइडे. अरे वही, तेरे को पता है ना इंग्लिश में अपना थोड़ा सा ऐसे ही है. सुन, मैं लेट आऊंगा, तू खाना खा लेना. भाई आज मैं भी बाहर जा रही हूँ, मुझे भी आने में लेट होगा. अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ा संभाल के छोटी. हाँ ओके बाय. चल ध्यान रखो. ओके surprised. आज सैटरडे तुम बिजी नहीं हो? सुरेया, आई गॉट अ मैसेज ऑन द वेबसाइट.
Somebody asked me my rate for the weekends. Don't worry about that, Natasha. मैं नेगोशिएट कर लूँगी. तुम्हें जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं. नहीं, सुरैया एक्चुअली बात वो नहीं है. बात कुछ और है. क्या बात? करण ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है. Oh my God, Natasha! That is wonderful news. I am so happy for you. करण से मैं कभी मिली तो नहीं, लेकिन तुम्हारे बातों से हमेशा लगा है कि करण से बेटर लाइफ पार्टनर तुम्हें मिल नहीं सकता. तुम्हारे तकलीफों के दिन अब खत्म होने वाले हैं. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है. तुम्हारे एहसानों को मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ. मैंने क्या किया है? कुछ नहीं किया. लोग जानते तो ये कहते कि मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया. अपने वेबसाइट पे तुम्हें जगह देकर गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस के जरिए पैसे कमाने में मदद की है मैंने तुम्हारी. लोग क्या जानते हैं सुरैया? खैर, ये सब बातें छोड़ो. इट्स ऑल इन द पास्ट नाउ. या एनीवे, आई वांट टू टेल यू दैट हो सके तो मेरा फोटोग्राफ वो वेबसाइट से हटा दो. बिकॉज मैं करण से शादी करके ये सब से बहुत दूर जाना चाहती हूँ. मैं ये ज़िंदगी नहीं जीना चाहती हूँ. प्लीज़ जस्ट टेक अवे माई पिक्चर. ऑफकोर्स नताशा, मंडे ऑफिस खुलते ही मैं निकाल दूँगी. ये शरीफों की दुनिया को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं. वहाँ तुम्हारे बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा. एवर, आई प्रॉमिस. थैंक यू. थैंक यू सो मच. लेकिन तुम्हारे उस फेवरेट क्लाइंट का क्या? डैडी डैडी? वो तो तुम्हारे बगैर जी ही नहीं पाएंगे. उन्हें तो मैं हैंडल कर लूँगी. वैसे इतने भी बैडी नहीं है डैडी. राजवीर दुबई गया था और वहां से चॉकलेट लाया मेरे लिए. और तुम्हारे अलावा कोई है नहीं जिसके साथ मैं ये शेयर कर सकूं. कहते हैं जिंदगी में कोई एक अपना होना तो ही काफी है. शायद मैं आपकी अपनी नहीं हूं पर दोस्त तो हूं ना. तुम नहीं जानती नताशा कि तुम अपनों से भी ज्यादा अपनी हो. क्या हुआ मैडम?
सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, आप थोड़ा जल्दी चलाइए। छोटी आज संडे क्या तू सुबह सुबह क्या कर रही है, कहाँ जा रही है? वो आज स्टडी सर्कल के लिए जाना है, थ्योरी पेपर्स बाकी है ना। ठीक है जा, मैं तेरे लिए चाय बनाता हूँ, रुक। नहीं ठीक है। की सबसे बड़ी खबर अब ये आ रही है कि कॉम्पोजिट फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर जयंत कल्याण की हत्या कर दी गई है। पुलिस प्रशासन की माने तो उनकी लाश संदेहजनक स्थिति में सिल्वर आर्क होटल के स्वीट रूम से पाई गई। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक उनके साथ कमरे में एक एस्कॉर्ट थी जिसका हाथ इस हत्या में हो सकता है। पुलिस की छानबीन जारी है और इस मामले में जयंत कल्याण के किसी भी पारिवारिक सदस्य की कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं। बाराजा चूहे देख, अंदर रहेगा तो डेफिनेटली भूख के मारे मर जाएगा, बाहर आएगा तो तुझे जिंदा जाने दूंगा। देख ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट ऑफर है, इसके बाद इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 302 और 303 के अंडर खलास, डेथ सेंटेंस। नहीं मानेगा? ठीक है, और भी आइडिया है मेरे पास। डोंट थिंक आई एम हेल्पलेस, एवरीथिंग इज रेडी, चीज रेडी है, मस्त मस्त। And now the cheese fragrance is going into rat hole. मैं जानता हूँ तेरे चूहे स्टमक में चूहे दौड़ रहे हैं, right? Come on. ब्रेकफास्ट में क्या मतलब क्या यार, सारे प्लान की माँ की आंख कर दी तूने यार। दो दिन से इस चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सॉरी सर, देखा नहीं, वो डिस्टर्ब कर दिया, मैं बाद में। अच्छा सुन, रुक, वो बना दे ऑमलेट, बना दे जा। हाँ। अब तक की सबसे बड़ी खबर अब ये आ रही है कि कॉम्पोजिट फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर जयंत कल्याण की हत्या कर दी गई है। पुलिस प्रशासन की माने तो उनकी लाश संदेहजनक स्थिति में सिल्वर आर्क होटल के स्वीट रूम से पाई गई। सीसीटीवी फुटेज की माने तो जयंत कल्याण के साथ कमरे में एक लड़की भी थी। पुलिस की छानबीन जारी है और शायद इस हत्या के पीछे इस लड़की का हाथ हो सकता है। इस मामले में जयंत कल्याण के किसी भी पारिवारिक सदस्य की कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। आगे की खबरों के लिए बने रहे न्यूज नाउ के साथ। आगे है खेल, इंटरटेनमेंट। मिल गया मीडिया को एक महीने का मटेरियल,
गन्ने की तरह चूस लेंगे इस मामले का। वैसे सर एक बात पूछूं? पूछ। अब ये लड़की मर्डर करके तो भाग गई, पुलिस को कैसे पता चलेगा कौन थी वो, उसको पकड़ेंगे कैसे? तो सुन, इट्स कॉल्ड इंडक्टिव लॉजिक और द लॉजिक ऑफ प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट, ये जयंत कल्याण अमीर आदमी है और इस शहर में रहता है, तो लॉजिक ये पूछती है कि फिर ये होटल के कमरे में क्यों सो रहा था? जवाब, क्योंकि उसे इस लड़की के साथ रात गुजारनी थी। दूसरा, जयंत कल्याण शादीशुदा है, तो सवाल, ये लड़की उसकी रखेल थी या प्रोस्टिट्यूट? जवाब, अमीर लोग अपनी रखेल के लिए घर देते हैं, एक रात वाले के लिए होटल होती है, ये एक रात वाला मामला है। अब तीसरा, जयंत कल्याण जैसा अमीर आदमी कोई राह चलती प्रोस्टिट्यूट को तो पकड़ेगा नहीं, ये ज़रूर कोई हाई एंड एस्कॉर्ट या प्रोस्टिट्यूट होगी, तो किसने इसको हायर कहा? तो पुलिस उसके फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप्स, गूगल हिस्ट्री, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट सब कुछ चेक करेगी, कोई भी साइन जिससे पता चले कि उसने कैसे हायर किया होगा उसको, और फिर एक और घंटे में इसका एड्रेस भी पता कर लेंगे, बेचारी लंच तक पकड़ी जाएगी। जयंत कल्याण का मर्डर करने वाली रंडी का फोटो खींचा जाएगा। हटिए 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 हटिए, चलो चलो चलो, अगर एक भी इन्फॉर्मेशन नहीं हुई ना, सब चूतियों को सस्पेंड कर दूंगा मैं। सर आपको जवाब देना पड़ेगा सर, एक सेकंड। चल अभी चुप, चिल्लाती रहती है। मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज चुप हो जा। बिल्कुल यकीन मानिए, सुनिए तो प्लीज, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, कोई है? मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, प्लीज एक लाइट चालू कर दीजिए, मुझे अंधेरे से बहुत डर। क्या डर लग रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे तो जाने दो। चुप, जब रंडी बनकर अपने बाप की उम्र के आदमी के साथ सो रही थी तब डरने लगा, और जब लाइट चलाकर उसकी ले रही थी तब भी तो डरने लगा था। सरेआम इतने अच्छे आदमी का खून किया तूने, तब भी डर नहीं लगा तुझे? अब हमारे सामने ये अच्छी बनने का नाटक मत कर। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया। अगर अगर अब तूने अपने मुंह से शब्द निकाले तो दो दिन याद रखना, दो दिन तक तू यहां सड़ेगी, कोर्ट में तेरी पेशी नहीं होने दूंगी। प्लीज एक लाइट तो जला दीजिए, एक लाइट तो जला दीजिए प्लीज, मुझे अंधेरे से डर लगता है, प्लीज एक लाइट जला दो, एक लाइट जला दो प्लीज। जिंदगी। हेलो एवरीवन, 27 जनवरी 2017 में हमने हमारे इस YouTube चैनल वीबी ऑन द वेब की शुरुआत की थी। आज एक साल हो गया, और इस एक साल में हमने आपका मनोरंजन करने की पूरी कोशिश की, और आगे भी इस YouTube चैनल पर हम कोई ना कोई सीरियल आपको फ्री में ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन आज हमने हमारे ऐप वीबी ऑन द वेब की भी शुरुआत की है। ये ऐप एक थिएटर है फ़ोन पे, जहां आप एक टिकट खरीद कर एक सीरीज बार बार सारी जिंदगी देख सकते हैं। ये ऐप आज गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है,
और अगले कुछ दिनों में ये ऐप एप्पल ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल होगा। अनटचेबल्स के सारे 15 के 15 एपिसोड्स आप सिर्फ एक 18 रुपए की टिकट में देख सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, एक 18 रुपए की टिकट और एक पूरा शो आपका। तो जाइए और अनटचेबल्स की टिकट खरीदिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह आपने हमारा साथ आज तक दिया वैसे ही आगे देंगे।